हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वीर सावरकर एक ऐसा नाम है जो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीर सावरकर की रियलिटी के बारे में। सावरकर के नाम पर एक बार फिर से राजनीति शुरू। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। वीर सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, जिन्हें हम प्यार से वीर सावरकर भी कहते हैं। सावरकर बचपन से ही देश प्रेमी थे। 1904 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नाशिक में मित्र मेला नाम से एक सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट की, जिसे आगे जाके अभिनव भारत नाम दिया गया। ये सोसाइटी ब्रिटिशर्स को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए बनाई गई थी। सावरकर जब फर्गसन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब स्वदेशी मूवमेंट पीक पर थी, इसीलिए सावरकर और उनके साथियों ने मिलकर फर्गसन कॉलेज में उनकी कई एंटी ब्रिटिशर्स एक्टिविटीज की, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। सावरकर लोकमान्य तिलक को अपना गुरु मानते थे और लोकमान्य तिलक ने भी उनकी विदेशी चीजों के बहिष्कार में साथ दिया था। कॉलेज से सस्पेंड होने के बाद वो लंदन चले जाते हैं और वहां जाकर श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ इंडिया हाउस नाम की क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। वहां से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम की बुक पब्लिश की। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा, जो इंडिया हाउस सोसाइटी के मेंबर के साथ सावरकर के दोस्त भी थे, उन्होंने इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में कर्जन विली को गोली मारकर मार डालते हैं। इसके बाद ढींगरा को तो फांसी हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मानना था कि जिस गन से मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विली को मारा था, वो गन सावरकर ने दी थी। दूसरी तरफ इंडिया में ब्रिटिशर्स ने मॉर्ली मिंटो एक्ट लागू कर दिया था, जिसके प्रोटेस्ट में गणेश सावरकर यानी कि वीर सावरकर के भाई को अरेस्ट कर दिया जाता है। वैसे तो सावरकर फैमिली में तीन भाई थे, नारायण सावरकर, गणेश सावरकर और विनायक सावरकर। गणेश सावरकर को अरेस्ट करने वाले ऑफिसर जैक्सन को मारने का प्लान बनाया जाता है, और ये प्लान बनाया था एक 18 साल के लड़के अनंत कान्हेरे और उसके दो साथी कृष्ण जी कारवे और विनायक देशपांडे ने। ये तीनों अभिनव भारत सोसाइटी के मेंबर थे, जिसे सावरकर ने बनाया था। प्लान के मुताबिक जैक्सन को मारने के बाद अनंत कान्हेरे ने खुद को जहर देकर या गोली मारने का प्लान किया था, ताकि उसके दो साथी पकड़े न जाएं। इसके अलावा प्लान ये भी था कि अगर अनंत जैक्सन को मारने में फेल हो जाएगा तो कृष्ण कारवे जैक्सन को मार देगा। अगर ये दोनों फेल हो जाते तो विनायक देशपांडे रेडी ही थे जैक्सन को मारने के लिए। 21 दिसंबर 1901 को जैक्सन के प्रमोशन की खुशी में विजयानंद थिएटर में एक शो रखा गया था, जहां पर अनंत जैक्सन को मार देता है, लेकिन वो अपने आप को मार नहीं पाता और पकड़ा जाता है, और 19 अप्रैल 1910 को इन तीनों को फांसी दी जाती है। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो बड़े झटके लग गए थे, एक वायली की हत्या और दूसरी जैक्सन की हत्या। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इस बात का सबूत था कि सावरकर ने 20 जितनी ब्राउनिंग कंपनी की हैंडगन भारत में सप्लाई की थी, जिसमें से एक अनंत कान्हेरे ने जैक्सन की हत्या में यूज की थी। जब पता चला कि इन दोनों हत्याओं के पीछे सावरकर का हाथ है, तो ब्रिटिशर्स ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। सावरकर को लंदन से अरेस्ट करने के बाद मोरिया शिप से इंडिया लेके जाना था, लेकिन सावरकर शिप की खिड़की से भागकर तैरते हुए फ्रांस पहुंच जाते हैं और उन्हें शरण देने की मांग करते हैं, लेकिन फ्रांस उन्हें वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटा देता है। भारत आने के बाद उन्हें भारत की सबसे खतरनाक जेल अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में 50 साल की काले पानी की सजा होती है, और इसी दौरान उनकी छवि पर कलंक लगाया जाता है। सावरकर जेल में बैठकर माफीनामा लिखते हैं, यानी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी मांगते हुए उनकी सजा कम करने के लिए लेटर लिखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों सावरकर को इतना कंट्रोवर्शियल बताया गया। इसका दूसरा बड़ा रीजन ये है कि सावरकर हमेशा भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया था, क्योंकि सावरकर को लगता था कि अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करेंगे तो बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करेगी। इसीलिए उन्होंने हिंदू महासभा से लोगों को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि साथ ही साथ वो अपने आप को नास्तिक भी बताते थे, और ये भी कहते थे कि हिंदू बनने के लिए कुछ हिंदू रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। हम तो ये नहीं कह सकते कि सावरकर की आखिर सोच क्या थी, किसी के लिए वो आज हीरो है और किसी के लिए विलन। आपको क्या लगता है कि सावरकर सही थे या गलत, कॉमेंट करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।